Thank you got so 24 much, people thank you strong. so much, Naren sir. Thank you so much, Kamra sir, for inviting me in your team in this beautiful session of Goodot and Arsene meeting. And sorry for that, मैं ज्यादा हिंदी प्रीफर करता हूँ. जितनी इंग्लिश में मैं सही नहीं समझा पाता उतना हिंदी में अच्छा सही समझा पाता हूँ. इसलिए नरेन सर और मेरे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है एकदम सही चल रहा है. Very good, very good. Thank you. No problem, sir. You go in Hindi, you go in English. We'll go ahead with that. Even if you speak in Telugu, Tamil, Kannada, I'll translate. Thank you, sir. Thank you so much, sir. तो सबसे पहले मैं कामराज सर का तहे दिल से वापस से धन्यवाद करना चाहता हूँ. थैंक यू टू कामराज सर फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ब्यूटीफुल जूम मीटिंग ऑफ गुडडॉट कंपनी एंड आर्सेन कंपनी. And thank you so much, sir, for a beautiful conversation and that beautiful introduction of myself in your whole team, sir. So, can I start our presentation that we have decided that we can first eat soup, then we have used to tell about the product of noodles. யா இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டாரு. காமராஜ் சாருக்கு ஒரு நன்றி அப்படின்னு பலமா சொல்லி எல்லாருக்கும் வரவேற்றுட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா குட் டாட் சூப் அண்ட் வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் நூடுல்ஸ். யா குட் டாட் நூடுல்ஸ், ஐம் சாரி குட் டாட் நூடுல்ஸ். இது ரெண்டுதையும் பத்தி ஸ்பெஷலா சொல்ல வந்திருக்காரு மிஸ்டர் துஷ்வந்த் யாதவ்ஜி. நம்ம சர்க்கிள்க்கு ஹி சோ எக்ஸைட்டட், தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, தமிழ்நாடோட ஃபேமிலியிலே வந்துட்டாரு அவரு. ஓகே சார், கோ ஹெட் சார். तो सत्योमेश अपने जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है गुड डॉट कंपनी के, वो आप सभी के बीच में आप शुरू करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ. पर उससे पहले मैं आप सभी को गुड डॉट कंपनी और आर्सेन कंपनी के बारे में थोड़ा सी जानकारी थोड़ा सा इलिब्रेट करना चाहूंगा. और अगर मैं बात करूँ आर्सेन बिजनेस कंपनी की, तो साथियों आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं अपने आरसीएम बिजनेस को, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, आप इसके अंदर काम करते हैं. बट साथियों अगर मैं ताकत की पावर की बात करूं, तो वो पावर है आरसीएम बिजनेस कंपनी के अंदर कि वो कोरोना काल समय के अंदर भी अपना रिकॉर्ड तोड़ सेल बना सकती है, तो आगे आने वाले समय के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकती. तो इतनी ताकत है आरसीएम बिजनेस कंपनी के अंदर, और ये मुझे गर्व महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है कि मैं इस ताकतवर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா, எஸ் தேங்க்யூ சார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா குட் டாட் கம்பெனி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது, ஆர்சிஎம்மோட ஒரு டைப் பண்ணி இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிருக்கு. இந்த பிசினஸ் ஆங்கிளும் சரி குவாலிட்டி வைஸும் நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல பொருளா கொடுக்குறாங்க. இப்போ குட் டாட்ன்ற கம்பெனியே ஒரு ஃபுட்டுக்கு உண்டான ஒரு ஃபியூச்சர் அதை பலமா தெரிவிக்கிறாரு. ஓகே, எஸ் சார், பிளீஸ் கோ அஹெட் சார். और इसी तरीके से अगर मैं गुड डॉट कंपनी के बारे में बात करूं साथियों, तो गुड डॉट कंपनी भी उसी विचारधारा पे, या फिर कहूं किस नींव पे आधारित है गुड डॉट कंपनी, वो आप सभी जानते हैं कि गुड डॉट कंपनी का और आर्ट्स कंपनी का एक ही संकल्प है, एक ही मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस को एक हेल्दी और एक टेस्टी लाइफ स्टाइल दे सके. क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो कल्चर है, जो लोगों का रहन सहन है, जो डाइट चार्ट है, वो इतना बिगड़ा हुआ है, वो इतना अनप्रॉपर है कि इंसान दिन ब दिन उसकी तबीयत, जो उसकी हेल्थ कंडीशन है, वो डाउन होती जा रही है. और ये जो महामारी का जो दौर आ रहा है साथियों, COVID-19, इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे महामारी के लिए जो कॉजेस है, जो रीजन है, वो भी यही चीज है साथियों कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया का यूज करने जा रहा है. जो इस दुनिया से हमें नेचुरल चीजें चाहिए, उन्हीं नेचुरल चीजों को इंसान खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसे नेचुरल डिजास्टर इस दुनिया के अंदर आते हैं. तो इसी चीज को बदलने के लिए गुड डॉट कंपनी का निर्माण करा गया है. और गुड डॉट कंपनी और आर्सेन कंपनी का एक ही मोटो है कि हम इस पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमिनिटी फैलाए, वापिस से इंसानों के अंदर वो ह्यूमिनिटी वापिस से जागरूक कर सके, वापिस से लेकर आए, और साथ ही साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम ह्यूमंस को दे सके इस लाइफस्टाइल के अंदर. नरेंद्र सर, यस थैंक यू दुष्यंत जी. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இப்ப உணவு முறை பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஜங்க் ஃபுட்டு, அங்கங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு எல்லாமே ரோட்ல அவைலபிள், எல்லாம் அங்கங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்ப
ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்பே இல்லை. அதாவது ஏதாவது ஒரு வியாதி, அங்கங்க ஒரு வியாதி, இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஜுரம், இப்போ இருக்க ஸ்வைன் ஃப்ளூ, கொரோனா வைரஸ், இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைனால்தான் வருது. ஸோ அதனால குட் டாட்டை பொறுத்தவரை அதெல்லாம் ஹெல்த்தியா பாடி இம்யூனிட்டி கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அளவுக்கு ஒரு பொருளை தயாரிச்சு அத மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் கொண்டு வராங்க. இதுல நம்ம உடம்புக்குண்டான தற்காப்பு தன்மையும் கீப் அப் பண்ணிக்கிறோம், அத மேலும் மேலும் நல்லபடி இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த எல்லா பொருளுமே ஆஃப் குட் டாட். சரிங்களா? இதுல இந்த மாதிரி ஹெல்த் சேலஞ்சஸ்க்கு எல்லாம் நல்ல ஒரு சொல்யூஷனா கொண்டு வந்திருக்காங்க குட் டாட்டோட பொருள் எல்லாமே. Yes, sir. Please go ahead, sir. Yes. तो साथियों इसी चीज को देखते हुए कि ह्यूमंस की हेल्थ को देखते हुए गुड डॉट कंपनी ने अपने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप सभी की इस इम्यूनिटी के लिए लेकर आए हैं, जहां से हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन को जो प्रोटीन कंटेंट चाहिए, जो फाइबर कंटेंट चाहिए, जो विटामिन चाहिए, और उसी के साथ साथ जो टेस्ट हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, टेस्ट, वो टेस्ट भी उन्हें मिल पाए. तो यही चीजें ध्यान में रखते हुए गुड डॉट कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स इन्वेंशन करे हैं, प्रोडक्ट्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां से आप सभी को वो टेस्ट भी मिलता है, वो प्रोटीन कंटेंट भी मिलता है. और इन्हीं प्रोडक्ट के बीच में मैं आज आप सभी को हमारे दो बेहतर टमेटो सूप है और इसी के साथ साथ डॉट नूडल्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर आज जानकारी देने वाला हूं साथियों. तो अगर मैं बात करूं वेजी सूप और हॉट एंड सॉल्ट वेजी सूप की, तो साथियों हमने हमारे जो टमेटो सूप है एंड जो वेजी सूप है उनको इससे नेचुरल प्रोसेस से, इसे नेचुरल जो किंग टेन से उनकी ताकत से हमने बनाया है, जिसके माध्यम से आप सभी को जो प्रोटीन कंटेंट है और इन नेचुरल चार, इन नेचुरल किंग टेन की जो ताकत है वो आपको मिल पाए, जहां हमने हमारे वेजी सूप के अंदर टमेटोस का, अनियंस का, गार्लिक का, अदरक का, काली मिर्च का, फ्लेक्स सीड्स का, मशरूम का, इन सभी के नेचुरल ताकत हमने वेजी हॉट एंड सॉल्ट सूप के अंदर ऐड करी है, जिसके थ्रू आप सभी की जो इम्यूनिटी पावर है वो तो बूस्टअप होती ही होती है. साथ में जो आपको टेस्ट चाहिए, जो रेस्टोरेंट के अंदर, जो होटल्स के अंदर जो मिलता है सूप के अंदर, वो आप चंद 5 मिनटों के अंदर अपने घर पे ही एकदम स्वस्थ तरीके से बना सकते हैं. नरेंद्र सर. यस, இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூப் வெரைட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்கிறோம். ரெண்டு விதமான சூப் இருக்குது, அதுலேயும் டொமேட்டோ சூப் அண்ட் வெஜ்ஜி சூப். இதில் என்ன கண்டென்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா புரத சத்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இதை தவிர்த்து இதில் டொமேட்டோ கண்டென்ட்டும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான வேறு அதான் ஜடி பூடினாக்கா செடி கொடி, ஓகே, அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வெஜிடேரியன் காசு. அந்த வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்னா தக்காளி, பூண்டு, இஞ்சி, அதே மாதிரி ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸுன்றாங்க இல்லையா அது, அப்புறம் மிளகு கண்டென்ட், அப்புறம் வெங்காயம், இதெல்லாம் கலந்து ரெண்டு விதமான சூப். ஒன்று வந்து ஹாட் அண்ட் சோர் சூப் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம். இந்த ஹாட் அண்ட் சோர் சூப்பில் என்னென்னா நேச்சுரல் டேஸ்ட்டும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டினா நாக்கு ருசியா நல்லபடி கொண்டு வராங்க இந்த பொருளை, விலையும் அதிகம் இல்லாம. எஸ் சார், ப்ளீஸ் கோ அஹெட் சார், நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ சோ மச் நரேன் சார், தேங்க்யூ சோ மச். तो अब मैं अगर बात करूं साथियों इन हर्ब्स की, तो अगर आप देख सकते हैं मशरूम, लहसुन, अदरक एंड काली मिर्च, दैट मशरूम एंड अदरक, इनके कितने ज्यादा फायदे होते हैं अपने ही अंदर, एक नेचुरल विटामिन कंटेंट ये अपने अंदर रखते हैं, और इन्हीं की ताकत जब हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को जब मिलती है इन्हीं पावर्स की, तो हमारी बॉडी इतनी बूस्टअप हो जाती है, इम्यूनिटी पावर इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि हमारे कोरोना काल तो क्या, इससे बड़ी बीमारी भी हमें हरा नहीं सकती. आप वहीं देख सकते हैं मशरूम जो हमारे फाइबर्स को मजबूत करता है, हमें विटामिन, जो नेचुरल विटामिन हमें चाहिए वो हमें मिलता है. लहसुन जो लहसुन है उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है. साथियों जिनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई पीक पे रहता है, एकदम डिक्रीज इंक्रीज रहता है ब्लड प्रेशर, वो भी कंट्रोल में आ जाता है लहसुन के माध्यम से. अगर मैं अदरक की बात करूं साथियों, तो अदरक
अपनी जो सर्दी खांसी जितने भी जुखाम होते हैं या फिर जो भी हमारे अंदर से इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप होनी चाहिए वो अदरक के माध्यम से होती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी नेचुरल ताकत मौजूद होती है साथियों अदरक के अंदर। काली मिर्च के बारे में बात करूं, ब्लैक पेपर के बारे में बात करूं साथियों, तो ब्लैक पेपर हमारे जो स्टमच है जो भी पेट के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उन बीमारियों से लड़ने में हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है काली मिर्च के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ऐसे शानदार नेचुरल स्पाइसेस हैं अपने पोटेंट सोर वेजी सूप के अंदर, जहां से हमें एक बेहतरीन स्वाद भी मिलता है और बेहतरीन सेहतमंद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ताकत भी हमें मिलती है। नरेन सर, यस सर, ஹெல்த்தியா பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் அதுல நல்லா பண்ணுது, அதே மாதிரி வைட்டமின் கண்டென்ட்டும் அதுல இருக்கு, வெயிட் ரிடக்ஷன் அதுக்கெல்லாம் கூட வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது அதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகுது, அதாவது ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கவங்களுக்கு அது. அதே மாதிரி டீடாக்ஸ் கண்டென்ட், அதாவது உடம்புல உள்ள கெட்ட நீர்ல கெட்ட இதெல்லாம் வெளிப்படுத்திடும். ஓகே, ஸோ டீடாக்ஸ் பண்ணுன்றாங்க, டீடாக்ஸ் டீ குடிக்கலாம், அது மாதிரி டீடாக்ஸ் பண்ற கண்டென்ட் அதுல இருக்கு, உடம்புல உள்ள கெட்ட இதெல்லாம் நீர்லாம் எடுத்துடும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இஞ்சி, இஞ்சி பார்த்தா மெயினா பாடியோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த கோல்டு ஃபீவர் இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு நல்லா ஹெல்ப் ஆகுது, அலர்ஜி அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் இது நம்மளை காப்பாத்தி விடும் இஞ்சி. இஞ்சியோட வேலை அதுதான் மெயினா, அது ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் தெரியும், இருந்தாலும் இது ஸ்பெசிஃபிக்கா இதெல்லாம் கலந்திருக்க வாசி நமக்கு என்னென்ன பயன்படுதுன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி காலி மிர்ச்சினா பிளாக் பேப்பர், அது என்னன்னா ஃபீவர் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஜுரம்லாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் துரத்துறதுக்கு நம்ம உடம்புல இருந்து துரத்துறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி வீக்னஸ் மசுடும் கி கம்மி, அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள சில வீக்னஸ் இருக்கு அதெல்லாம் குறைபாடெல்லாம் வெளிப்படுத்தி விட்டுரும், அதாவது கேன்சர் அளவுக்கு நம்மளை காப்பாற்றும், கேன்சர்ல இருந்தெல்லாம் நமக்கு காப்பாற்றும் இந்த பிளாக் பெப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக இன்கிரீடியன்ஸ் அதில் இருக்கு, உடம்புக்கும் நல்ல தற்காப்பு தன்மை கொடுக்குது, ஹெல்த்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்குது, பிபி இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இருக்கும். நிறைய விஷயத்துல நல்லது வந்து சூப் குடிக்கிறது. ஓகே, சோ எஸ் சார், துஷ்யந்த் ஜி கோ அஹெட் சார். थैंक यू सर, थैंक यू नरेन सर। तो सारे सूप जो पोटेंट्स ऑफ वेजी सूप है गुड डॉट और आसम, उसके बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को बताया, और अब मैं आपको हमारे दूसरे सूप टमेटो सूप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो क्विक एंड इजी टू कुक है और ये रियल टमेटो से बना हुआ है, जो किसी के अंदर कोई एडिट फ्लेवर या कोई एडिट कलर हमने कोई ऐड नहीं करा है। इसके अंदर आपको नेचुरल टमेटोज की ताकत है, जो नेचुरल टमेटोज की जो पावर चाहिए वो आपको मिलती है हमारे टमेटो सूप के अंदर, जिसके अंदर हमने अनियंस की, ब्लैक पेपर की, टमेटोज की एंड अदरक की, इन सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की ताकत हमने ऐड करी है अपने टमेटो सूप के अंदर, जहां आप सभी जानते हैं कि अनियंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा ब्लड शुगर बढ़ा देती है अनियंस के थ्रू। काली जो ब्लैक पेपर से जो आप सभी ने जाना ये मसूड़ों से, उसी के साथ साथ जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होती है उससे हमें लड़ने में काफी फायदेमंद देता है। अगर मैं टमेटोज जो रियल टमेटोज होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बताऊं साथियों, तो रियल टमेटोज के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव हो जाता है, और उसी के साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है साथियों। वहीं जो अदरक होता है उसकी ताकत आप सभी जानते हैं, ये हमारे इम्यून फंक्शन को बूस्टअप कर देता है।
तो ऐसे नेचुरल स्पाइसेस की ताकत आपको टमेटो सूप के अंदर भी मिलती है, जिससे आपको जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप होनी चाहिए, जो प्रोटीन कंटेंट चाहिए, इन्हीं नेचुरल रिच स्पाइसेस की जो पावर आपकी बॉडी के अंदर आनी चाहिए वो आपको मिलती है एक बेहतरीन टेस्ट के साथ, एक बेहतरीन फ्लेवर के साथ, गुड डॉट टमेटो सूप एंड वेजी सूप के साथ। और अगर मैं रेस्टोरेंट जो मार्केट के अंदर जो सूप मिलते हैं जो 120 to 150 रुपीज पर ह्यूमन कॉस्ट रहती है मार्केट के अंदर, अगर उसके साथ कंपेयर करूं अपने गुड डॉट और आरसीएम के टमेटो सूप और वेजी सूप को, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो प्राइस रहती है वहां पे हमारा गुड डॉट की सूप है वो 11 रुपए के अंदर आता है आप सभी को, हमें 20। और वहीं अगर कंपेयर करा जाए मार्केट वालों के तो वो 120 to 150 रुपीस में आता है। वहीं हम अपने घर पे एकदम स्वच्छ तरीके से, एकदम हाइजीनिक तरीके से अपने घर पे टमेटो सूप को बना सकते हैं। और अगर हम रेस्टोरेंट की कंपेयर करें तो वहां पे वो टमेटो सूप की जो प्योरी होती है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहती है, जो कितनी खराब रहती है हमारे सेहत के लिए। और मात्र 5 मिनट के अंदर हम हमारा टमेटो सूप या वेजी सूप गुड डॉट कंपनी और आरसीएम कंपनी का बना सकते हैं मात्र 5 मिनट्स के अंदर। रेस्टोरेंट की बात करें जाए तो वहां पे 30 to 40 मिनट्स लगते हैं अगर हमने कोई सूप ऑर्डर करा है एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो साथियों आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंपैरिजन है सूप इंडस्ट्री के अंदर, अपना कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आया है गुड डॉट कंपनी टमेटो सूप और वेजी सूप के माध्यम से। और हमारे हर एक सूप को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, जहां अन्य मार्केट के जो सूप होते हैं उनको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो बर्तन होते हैं वो हमें करने पड़ जाते हैं, पर हमें अपने गुड डॉट का सूप मात्र 5 मिनट के अंदर सिर्फ 600 ml पानी के अंदर बनाना है और सिर्फ 5 मिनट तक उसको अच्छी तरह से उबलने देना है, बॉइल होने देना है, और 5 मिनट बाद आप वो सूप टमेटो सूप या हॉट एंड सूप वेजी सूप सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए सर्व कर सकते हैं। तो इतना आसान है टमेटो सूप एंड वेजी सूप बनाना अपने घर के लिए, और बहुत बड़ा डिफरेंस है इस सूप इंडस्ट्री के अंदर अपने गुड डॉट के सूप और टमेटो सूप के बारे में। नरेंद्र सर हैंड इट यू। यस सर दुष्यंत जी पिछले स्लाइड ओके இப்ப பாத்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சூப் அது எப்படின்னாக்கா எவ்வளவு குயிக் அண்ட் ஈஸி அது கிளியரா படும், அதாவது எவ்வளவு சீக்கிரமா ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இத சூப்பை கலக்க முடியும் எப்படின்னா ஒரு பாக்கெட்ல 4 சர்விங், அதே மாதிரிதான் அந்த வெஜி சூப்லயும் அப்படிதான் 4 to 5 சர்விங் வரும். ஓகே இப்போ இது ஆர்டிபிஷியல் கலர் எதுவுமே கிடையாது, ஸோ எல்லாமே நேச்சுரல் கண்டென்ட்ஸ். டொமேட்டோ சூப்புனாலே அந்த தக்காளி தான், தக்காளியிலேருந்து தான் மெயினாக எடுக்கிறது. இதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே தக்காளி தவிர்த்து வேற என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம், பிளாக் பெப்பர், கருப்பு மிளகு. ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி தக்காளி, இதுதான் மெயின் கண்டென்ட்ஸு. என்னென்ன பயன் அதனால, வெங்காயத்தினால பிளட் சுகர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். வெங்காயத்தில் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, என்னடா வெங்காயம்னு நினைப்பாங்க, பட் வெங்காயத்தில் அந்த பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி கேன்சர்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றும், அதே மாதிரி நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் உடம்புல உள்ள ரத்த ஓட்டத்தை சரி பண்ணும், சீராக்கும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமல் வெங்காயத்தை சம்டைம்ஸ் அவாய்டும் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேப்பர், இது என்னென்னா ஃபீவர் இல்லாட்டி ஜென்ரலாக வியாதி உடம்புல இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் தூரம் ஓட்டுறதுக்கு, அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி மசுடோங்கி கம்சோரி, ஸோ அது எல்லாத்தையும் அந்த வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் தூரம் ஓட்டிடும், உடம்புல உள்ள வியாதி அது எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பிச்சிடும். கேன்சர், கேன்சர்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றும். ஓகேங்களா, அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு இன்கிரீடியன்ட்டும் பார்த்து பார்த்து தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ டொமேட்டோ தக்காளியை வெறும் தக்காளின்னு சும்மா நினைக்காம வெயிட் குறைக்கிறது கூட அது ஹெல்ப் ஆகுது, அது நமக்கே தெரியாது இத்தினால். ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு அது தெரியாமல் தக்காளி சம்டைம்ஸு ஜலதோஷம் வரும் அது வரும்னு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க, பட் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் ஆகுதுன்றது இதில் இருந்தால் தெரியுது. ஸோ வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி
இப்போ மற்ற பிளட் சர்க்குலேஷன் சொன்னோம், கொலஸ்ட்ரால் அது அதுக்கும் குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. ஓகேங்களா, தக்காளி இந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நிறைய பேர் இதை பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சூப்னால சூப்ல இதெல்லாம் கண்டென்ட். அதே மாதிரி இஞ்சி, இஞ்சி வந்து இம்யூனிட்டி சிஸ்டம், நம்ம உடம்போட தற்காப்பு தன்மையை அதிகப்படுத்தும், நல்லா ஸ்டேபிளா வச்சுக்கோ நம்ம இம்யூனிட்டி பவர், அதாவது தற்காப்பு தன்மை. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி மழை பெய்யுதுன்னா, ஃபீவர் வந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் கீப் அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. அலர்ஜி இல்லை வேற இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்தால் அதுல இருந்தெல்லாம் காப்பாற்றும் இஞ்சி. இஞ்சிக்கு உண்டான வேலை, ஏன்னா சாதாரண இஞ்சி தான், பட் அவ்வளோ அதில் விஷயங்கள் எல்லாமே நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், துஷன்ஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Sir, I have changed the slide, sir. No, it does not change for me. The rate comparison. Yeah, yeah. Okay. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா விலை வித்தியாசம் மட்டும் இல்லை, அதோட குவாலிட்டி எங்கெங்க என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ ஜென்ரலா ஹோட்டல்ஸ்ல இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சூப் எப்படி செய்யறாங்க அதுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அதோட விலை வித்தியாசம், ஹெல்த்தி டெண்டன்சி எப்படி இருக்கு, எல்லாமே கிளீனிட்டி, அது அது கிளீனாக பண்ணுறாங்க இல்லையான்னு பார்த்து, அதோட பயன் என்ன, எல்லாமே எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதை பண்ண முடியும், அதாவது டைம் எவ்வளோ சீக்கிரம் தயாரிக்க முடியும், அந்த கம்பேரிசன் சாட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் அப்படியெல்லாம் குடிக்கும்போது பார்த்தா ஒரு ஆளுக்கு 120 150 ரூபா ஆகுது சூப். ஆனால் வீட்டில் பண்ணுறது ஒரு ஆளுக்கு வெறும் 11 ரூபாயில் முடியுது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளீனிட்டி, நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது ரொம்ப கிளீனாக நல்லா இருக்கும் நம்ம பண்ணும்போது, ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா, அது அங்கே இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிட்டவங்களுக்கு பிரச்சனை, வயிறு உபாதைகள் இல்லாட்டி வாமிட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டதுனால அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அது. ஆனால் வீட்டில் அவ்வளோ ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனோடு சாப்பிட்றோம். ஓகே, இப்போ இது இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் மே கம் ஃபயர். ஓகே, வீட்டில் சாப்பிடும்போது ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிட்டே தான் நல்லா சாப்பிட்றோம், அங்கே வந்து ஹெல்த்தை பற்றி அவன் எவ்வளோ கவலைப்படுறதில்ல. ஓகே, என்ன பயன், இந்த வீட்டில் இருக்கிறது எப்போனாலும் குடிக்கலாம், ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் திறந்துருக்கும் போது தான் போய் குடிக்க முடியும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி நேரம் டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆர்டர் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி 15 நிமிஷம் 6 அரை மணி நேரம் ஆக்கிடுவான் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு. ஸோ ஆனால் வீட்டில் நம்ம நினைச்சோம்னா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணி, வெறும் 5 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணி நம்ம வீட்டிலேயே குடிக்கலாம். ஸோ இதுதான் அட்வான்டேஜ், டபுள் பர்பஸ், இந்த கம்பேரிசனாக சொல்லுவோம், விலை வித்தியாசம், கிளீனிட்டி, ஹெல்த் வைஸ், அதோட பயன் ப்ளஸ் டைம் கம்பேரிசன் சார்ட். நெக்ஸ்ட் சார், துஷன்ஜி கோ ஹெட். எஸ் சார், வெயிட் வெயிட், திஸ் ஸ்லைட் ஐ ஹவ் டு கோ ஹெட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த சூப்பை தயாரிக்கிறது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இந்த பேக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு சாஸ் பேன் இல்லை கடாய் நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் ஒரு 600 ml தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி, ஓகே, இதை பவுச்சு அப்படியே கொட்டி சாஸ் பேனில் ஒரு 600 ml தண்ணி அதில் கொட்டி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, கொதிக்க கொதிக்க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க, ஏன்னா இல்லாட்டி கட்டிக்கிட்டே ஆகிடும் சம்டைம்ஸ். ஸோ ஸ்டவ் மேலே வச்சுட்டு மெல்லமாக அதை கிண்டிக்கினே இருக்கணும், இல்லை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஸோ தட் கட்டிக்கிட்டே ஆகாமல் இருக்குது. அதே மாதிரி 1 நிமிஷம் ஆனவுடனே ஹீட்டை கம்மி பண்ணிக்கணும், அந்த அடுப்போட இதை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா மெல்லமாக அது ஹீட் ஆகும், அப்படியே சுட 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 கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அந்த சிம்மிலே வச்சுட்டிங்கன்னா அது மெல்லமாக சூடாகினே இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு நிறைய பேர் கொடுக்குறதா தான் சொல்லு. ஓகே, ஸோ ஒரு 5 பேர்னா டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு கூட 5 பேர் குடிச்சிக்கலாம். ஸோ ரெடிமேட், டக்குன்னு, இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் சுட 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 தொண்டைக்கு இதமா இருக்க மாதிரி கொடுக்கலாம். ஓகே, எஸ் சார், கோ ஹெட் சார், நெக்ஸ்ட் துஷ்யந்தி கோ ஹெட். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சோ மச் சார். எஸ் எஸ்,
साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो हमारा प्रोडक्ट है टमेटो सूप एंड प्रोटीन और वेजी सूप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं दे पाया हूंगा इस मीटिंग के थ्रू इन प्रेजेंटेशन के थ्रू। और वहीं अब मैं अपना जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके साथ मैं आप सभी को इंटरफेयर या फिर उसकी सारी जानकारी देने वाला हूं। तो साथ सर मेरे को 2 मिनट्स का टाइम दे दीजिएगा, मैं अभी आप सबके बीच में जो हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन है वो शेयर करना चाहूंगा। ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி நான் இந்த இன்னொரு ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் கொண்டு வர்றாரு. ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்மால் பிரேக் பண்ணதா இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்துடும் அதுக்கு. तो साथियों अब हम बात करेंगे हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट जो आप सभी का फेवरेट है, इनफैक्ट चिल्ड्रंस का सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है गुड डॉट नूडल्स। आज हम अपने गुड डॉट नूडल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, सब कुछ बारे में जानेंगे कि किन चीजों से बने हैं, कैसे नेचुरल की इंग्रीडियंस की ताकत अपने गुड डॉट नूडल्स के अंदर एड करी गई है एंड क्या रिवोल्यूशन हम लेकर आए हैं, क्यों हम अपना गुड डॉट नूडल्स लेकर आए हैं जहां इस मार्केट के अंदर इतने सारे नूडल्स आ रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे हेल्दी नूडल्स आप सभी के लिए लेकर आए, क्योंकि जो डिफरेंट कंपनी है जो अपने डिफरेंट नूडल्स लेकर आ रही है उनके पास मनी है, टेक्नोलॉजी है, पीपल्स है, वर्कर्स है, बट उनके पास वो फीलिंग्स नहीं है, उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हेल्थ प्रोवाइड कर सके या फिर हेल्थ प्रोवाइड करने के इंटेंशन से अपना प्रोडक्ट उनको दे। ऑल द कंपनी जो अनहेल्दी मार्केट के जो नूडल्स आ रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर वो सिर्फ यही चाहते हैं प्रॉफिट, उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो। बट गुड डॉट कंपनी एंड आरसीएम कंपनी का जो मोटो है वो यही है कि सबसे पहले ह्यूमन देन अदर थिंग्स। तो हमने और गुड डॉट आरसीएम कंपनी और गुड डॉट कंपनी ने एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट आप सभी के बीच में लेकर आया है जहां हमारे बच्चों को इनफैक्ट हम खुद अपने गुड डॉट नूडल्स खा के जो हमें प्रोटीन कंटेंट चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए वो हम लेकर आ सकते हैं एक बेहतरीन स्वाद के साथ और एक जाने माने प्रोडक्ट के साथ में। और वहीं अगर मैं बात करूं जो इस अनहेल्दी मार्केट के अंदर जो नूडल्स आ रहे हैं साथियों, उस कंपनी ने नेस्ले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो अनहेल्दी नूडल्स, उसने खुद ने क्लेम करा है कि 60% जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो अनहेल्दी है ह्यूमंस के लिए, बट फिर भी ह्यूमंस इसी प्रोडक्ट को परचेस करें, इसी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? द रीजन बिकॉज लोगों तक अभी तक गुड डॉट नूडल्स अभी तक पहुंचा नहीं है इसका। तो अब हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है और अब हमारे पास वो प्रोडक्ट भी है कि हम अब इस मार्केट को इस नूडल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं गुड डॉट नूडल्स के माध्यम से। एंड उसी के साथ में जो हर एक पेरेंट्स की जो चिंता का विषय रहता है, जो डिप्रेशन में रहते हैं कि हम हमारे चिल्ड्रंस को एक हेल्दी और एक टेस्टी फूड कैसे दे सके, तो अब हर एक पेरेंट्स की जो चिंता का समाधान है वो हमने कर दिया है गुड डॉट नूडल्स के माध्यम से, जहां उन्हें नेचुरल किंगडम्स की ताकत मिलती है, प्रोटीन कंटेंट मिलता है, साथ में उनकी इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट अप होती है। और आप सभी ने, आप अपने आरसीएम परिवार ने इतना प्यार दिया है, इतना सहारा है गुड डॉट नूडल्स को कि आप सभी ने गुड डॉट नूडल्स को दुनिया का सबसे हेल्दी नूडल्स बना दिया है साथियों, जहां आपको सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट मिलता है, हाई डाइटरी फाइबर मिलता है और साथ में स्वाद भी मिलता है और ऐसे नेचुरल रिच इंग्रेडिएंट्स की ताकत भी आपको मिलती है। और हमारे गुड डॉट नूडल्स अपने आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के अंदर बने हैं साथियों, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल बनता है जो दुनिया का सबसे हेल्दी नूडल्स बन जाता है। नरेंद्र सर, हैंड ओवर टू यू। यस यस Yes sir, yes sir. Okay, இப்ப பாத்தீங்களா நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் இது பார்த்தா மெயினா சின்ன பசங்களுக்குன்னு ஹைலைட் பண்ணாரு சார் துஷ்யந்த் ஜி. ஆனா நான் வந்து மை கே போல் ரா கி கேவல் சோட்டே பெச்சோங் கே லியே பீ நை படோங் கே பீ ஏ அச்சா சீஸ் ஹை जी सर, मैंने कहा ना सर, ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से लेकर जवान तक हर एक जने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, क्योंकि सारे जने इसी को प्रिफर करते हैं फ्री टाइम। एग्जाम्पल देना चाहूंगा नरेंद्र सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देना, अगर कभी किसी के घर पे हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई हो जाए या फिर कोई घर पे अकेला है और उसको कुछ इंस्टेंट कुछ खाना है, एकदम मूड नहीं हो रहा कुछ बनाने का, तब उनके पास गुड डॉट नूडल्स हो सकता है जो मात्र
दो मिनट के अंदर वो बना सकते हैं, एक हेल्दी टेस्ट ले सकते हैं। तो हर एक चने के लिए प्रीफर है सर गुड डॉट, बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से बूढ़े तक, हर एक चने। आपका एग्जाम्पल तो अच्छा है पर हम तो फाइट नहीं करते। ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார், சின்ன கதையை சொன்னாரு. அதாவது வீட்டுல யாராவது புருஷன் பொண்ணாடி சண்டை போட்டுருந்தா கூட இத தனியா இருக்காரு கூட இது சட்டுன்னு ஒரு இன்ஸ்டன்டா பண்ணிக்கலாம். இதை நான் சொன்ன, நாங்க சண்டையே போட மாட்டோம், அதனால இந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு. ஓகே, எனிவே கமிங் டு த பாயிண்ட், நூடுல்ஸ், நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா புரத சத்து உள்ளது, எந்த விதத்துலயும் உடம்புக்கு உபாதை இல்லாத இருக்கும். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா மசாலா ஃப்ளேவரும் அதுல நல்லா கலந்து இருக்கு. ஸோ சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிடித்தம் வரும், மெயினா சின்ன பசங்கன்னு சொன்னாரு. நான் பெரியவங்களுக்கும் அந்த பிடித்தம் வந்துருது, அதான் நம்மள மாதிரி ஆட்கள் இந்த நூடுல்ஸ் சட் சட்னு பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ ஹெல்த்தி இது, இல்ல மெயினா மைதா கண்டென்ட் கிடையாது, எல்லாமே கோதுமை கண்டென்ட் தான், அது ஹைலைட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இப்போ மார்க்கெட்டில் உள்ள முக்காவாசி நூடுல்ஸ் நெஸ்லேன்னு மென்ஷனே பண்ணுறோம் பாருங்களேன், நெஸ்லேயோட மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபுட்டே பார்த்தீங்கன்னா 60% அவங்களோட இது பீவரேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான், எல்லாமே அன்ஹெல்தி. 60% அன்ஹெல்தினே ரிசர்ச்லேயே வந்துடுச்சு, லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் ஆன் வயர்னு வந்துருக்கு பாருங்க. அந்த ஸ்லைடை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இது யாருக்குமே காட்டலாம், இது வந்து நம்ம சொல்லலை, நியூஸ்லேயே வந்துடுச்சு. ஓகே, இது அந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் அவங்க வந்து எவ்வளோ அன்ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்காங்கன்றது நியூ சர்வேலே தெரிஞ்சிச்சு. இப்போது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம ஹெல்த்தியாக உள்ள ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணலாம், அவங்கவுங்க அம்மாங்க குழந்தைங்களை பற்றி கவலையே படவானா, ஏன்னாக்கா குழந்தைங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நல்ல நூடுல்ஸை செஞ்சு கொடுக்கணும், சந்தோஷமாக குட் டாட் நூடுல்ஸ் அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கோம், எந்த குழந்தையும் அடம் பிடிக்காது. ஏன்னாக்கா நல்ல ஹெல்த்தி நூடுல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு, ப்ளஸ் டேஸ்டியாகவும் இருக்குது, அது உண்டான மசாலாவும் நல்லா பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அதனால நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கு, அம்மாங்கெல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க ஒவ்வொரு வீட்லேயும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இப்போ வேர்ல்டுலே பார்த்தீங்கன்னா துனியாமே சப்சே ஹெல்த்தி நூடுல்ஸ், அதாவது உலகத்திலே நம்ம நூடுல்ஸ் தான் ஹெல்த்தி நூடுல்ஸ். ஓகே, எந்த விதத்துலேயும் பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம எல்லாருக்குமே புரத சத்து, மெயினாக ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டும் இதில் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஹெல்த் வைஸ் எந்த சேலஞ்சும் இருக்காது, நல்ல டைஜஸ்டபிள் ஐட்டம் ப்ராடக்ட் இது, அண்ட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் இது. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஓகே, சஹி மே ஸ்லைட் ஹஸ் பீன் சேஞ்ச். ஹலோ, யா நரேன் சார், யா சஹி மே ஹெல்தி, அதாவது நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், அதுதான் அர்த்தம். ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஹெல்த்தி ஃபார் அஸ். எஸ் சார், கோ ஹெட் சார். और अगर मैं रीजन बताऊं कि क्या चीज बनाती है गुड डॉट नूडल्स को दुनिया का सबसे हेल्दी, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि गुड डॉट कंपनी एक रिवॉल्यूशन लाई है नूडल इंडस्ट्री के अंदर अपने गुड डॉट नूडल्स के माध्यम से, जहां आपको रिच इंग्रेडिएंट्स की ताकत मिलती है, हाई प्रोटीन कंटेंट मिलता है, हाई डाइट्री फाइबर मिलता है, और उसी के साथ टेस्ट जो हर एक जने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, दैट टेस्ट वो भी आपको मिलता है साथियों, क्योंकि हर एक जने की, हर एक इंसान की एक कमजोरी है कि अगर कोई भी चीज उसको खाने को मिल रही है, जो भी डाइट के अंदर उसको वो ऐड कर रहा है, अगर उसके अंदर टेस्ट नहीं है तो खाना नहीं खाएगा। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रखता है साथियों, तो वही टेस्ट जो नूडल्स के अंदर आपको चाहिए उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर टेस्ट आपको मिलता है अपने गुड डॉट नूडल्स के अंदर। और अगर मैं जो नेचुरल रिच की इंग्रेडिएंट्स हमने अपने गुड डॉट नूडल्स के अंदर ऐड करी है, अगर उसके बारे में बताऊं साथियों, तो हमने हमारे गुड डॉट नूडल्स के अंदर पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वीट फ्लोर और ओट्स फ्लोर, इन नेचुरल चार रिच की इंग्रेडिएंट्स की पावर हमने ऐड करी है अपने गुड डॉट नूडल्स के अंदर। और आज के टाइम के अंदर
जो अभी ये टाइम चल रहा है जहां हर एक इंसान हर एक ह्यूमन सेकेंड्स के लिए भी फ्री नहीं रहता, जहां इनफैक्ट खुद हम साथियों अपने ऑफिस जाते हैं अपनी फील्ड पे जाते हैं तो हम अपनी डाइट की तरफ अपने प्रोटीन कंटेंट की तरफ देखना ही भूल जाते हैं। वहीं हमें जो 10 से 15 मिनट जो मिलते हैं उसके अंदर हम कुछ और चीज खा लेते हैं तो उसकी जगह हम अपने गुड नूडल्स अपने साथ लेकर सकते हैं या फिर कहीं पे बना सकते हैं जो मात्र 2 मिनट लेंगे आपके बनाने के अंदर और वहां पे आप प्रोटीन वेट फ्लोर और ओट्स फ्लोर की ताकत अपने शरीर अपने बॉडी के अंदर लेकर आ सकते हैं। और अगर प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात करो साथियों तो हमारे गुड डॉट नूडल्स के अंदर आपको 13.5 ग्राम प्रोटीन कंटेंट मिलता है जो नूडल्स इंडस्ट्री के अंदर किसी भी नूडल्स के अंदर नहीं मिलता है। जो गुड डॉट नूडल्स लेकर आया है अपने प्रोडक्ट के अंदर 13.5 ग्राम प्रोटीन कंटेंट और उससे के साथ साथ हाई डाइट्री फाइबर भी मिलता है जिसके थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है और हमें जो पूरे दिन के अंदर जो भी हम लंच ले रहे हैं डिनर ले रहे हैं उस लंच डिनर के जो प्रोटीन कंटेंट विटामिन्स कंटेंट फाइबर्स जो हमारी बॉडी के अंदर आने चाहिए वो हमें मिलते हैं जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है डाइट्री फाइबर के थ्रू। तो हमारे गुड डॉट नूडल्स के अंदर आपको 7.62 ग्राम डाइट्री फाइबर मिलता है जो नूडल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी नूडल्स के अंदर नहीं मिलता साथियों। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंपैरिजन है और कितना हेल्दी है अपना गुड डॉट नूडल्स इस नूडल इंडस्ट्री के अंदर। और एक सबसे बड़ा कंपैरिजन आप सभी को बताने जा रहा हूं मैं साथियों कि जो अनहेल्दी मार्केट के जो नूडल्स है वो 15 मिनट बाद स्टिकी हो जाते हैं, एक स्टिकी केक बन जाते हैं 15-15 मिनट्स के बाद। वो वहीं गुड डॉट के नूडल्स गुड डॉट कंपनी के नूडल्स 15 मिनट्स के बाद भी एकदम ओपन रहते हैं, वो स्टिकी नहीं होते क्योंकि हमारे गुड डॉट नूडल्स एकदम नेचुरल रिच इंग्रेडिएंट्स की ताकत बनी है। इसको बनाने के लिए हमने वीट फ्लोर का इस्तेमाल करा है जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं जो अनहेल्दी मार्केट के जो नूडल्स है वो एक वैक्स का जो इस्तेमाल हो रहा हुआ जाता है उसके थ्रू बना जाता है जो मात्र 15 मिनट्स के अंदर जम जाता है और एक हमें स्टिकी केक मिलता है इस अनहेल्दी नूडल्स के मार्केट के। तो आप देख सकते हैं एक लाइव एग्जांपल करके आप खुद करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है गुड डॉट के नूडल्स में और इस अनहेल्दी मार्केट के नूडल्स के बीच में। नरेंद्र सर यस दुष्यंत जी पिछले से ओके இப்போ வாட் இஸ் குட் குட் ஆட் நூடுல்ஸ் அதாவது குட் ஆட் நூடுல்ஸ்னா என்ன அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நூடுல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் இது அது நமக்கே தோணும் என்ன இது பெரிய ரெவல்யூஷன்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் ஐ ஹேவ் சேஞ்ச் சார் இட் இஸ் நாட் கம் ஆன் டிஸ்ப்ளே யா நவ இட்ஸ் கம் ஓகே இப்போ இந்த ஏன் குட் ஆட் நூடுல்ஸ் தான் பெஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரிச் இன்கிரீடியன்ஸு அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் பார்க்கும்போது நல்லா அதிகப்படியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டயட்ரி ஃபைபர்ஸும் நல்லா அதிகப்படியாக இருக்கும் டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் தான் டைஜஷனுக்கு உண்டானது ஓகே வேகமாக டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நல்ல அதுக்குண்டான ஜூஸ்லாம் உடம்புல ஐ மீன் நம்ம உள்குடலில் வரும் அந்த மாதிரி டைஜஸ்டிங்க்கு டைஜஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் டேஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த நம்ம நூடுல்ஸ் குட் டாட் நூடுல்ஸ் ஓகே எஸ் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் ஓகே இப்போ குட் டாட் நூடுல்ஸோட கண்டென்ட் என்னென்னு ஒன்றுன்னா பிரித்து பார்ப்போம் அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன ஏன்னா அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ பொறுத்து தான் நம்ம சீப் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோமான்னு தெரியும் ஓகே மே பாயஜான வாரி சாமக்ரி ஓகே த இன்கிரீடியன்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீ ப்ரோட்டீன் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து மார்க்கெட்டில் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ 350 ரூபான்னு வரும் அதே மாதிரி சோயா ப்ரோட்டீன் ஒரு கிலோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 200 ரூபா வருது மார்க்கெட் வேல்யூ இது ஓகே ஒயிட் ஃப்ளோர்னு பார்க்கும்போது நம்ம இதில் ஐ மீன் மார்க்கெட்டில் 24 ருபீஸ் ஒரு கிலோக்கு வருது அதே மாதிரி கண்டென்ட் ஒன்றுன்னா கம்பேர் பண்ணுவோம் ஓட்ஸ் ஃப்ளோர் அதாவது ஓட்ஸில் உள்ள மாவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 45 ரூபா ஒரு கிலோன்னு வருது ஸோ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸில் கம்பேர் பண்ணி பண்ணுறோம் இது ப்ரோட்டீனோட கண்டென்ட் நம்ம இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள்
இதுல பார்த்து கம்பேரிட்டிவ் சார்ட் பார்க்கும்போது ஜென்ரலா மற்ற ப்ரோட்டீன் இது சாரி நூடுல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 9 கிராம் தான் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். அதே மாதிரி மேகி அந்த மாதிரி ஐட்டம்னா 9.2. இன்னொன்றுல பாருக்கும்போது ஜென்ரல் நூடுல்ஸ்ல நான் பேர் சொல்லக்கூடாது, அது ஜஸ்ட் அதனால தான் அதை மறைச்சி வச்சிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் அதை சொல்றேன், ஏன்னா அந்த பிக்சரை பார்த்து சொன்னேன். இது பாத்தீங்கன்னா 10.16 கிராம்ஸ் தான் ஜென்ரலா. ஆனால் நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸை பார்க்கும்போது 13.5 கிராம் புரத சத்து. ஸோ ஹை ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் மெயின். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயட்ரி ஃபைபர் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம நூடுல்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஜென்ரல் நூடுல்ஸ்லாம் வெளியே மார்க்கெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா 0. டயட்ரி ஃபைபர்லாம் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லை. அதே மாதிரி மற்ற கொஞ்சம் பாப்புலராக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு 5 கிராம் டயட்ரி ஃபைபர். அதே மாதிரி இன்னும் சில இதெல்லாம் பார்த்தா 4.2 கிராம்ஸ் அந்த ஒரு பேக்கெட் அவ்வளோதான் இருக்கும். ஓகே, ஆனால் நம்ம இதில் கண்டென்ட் பார்க்கணும் டயட்ரி ஃபைபர் வந்து 7.62 கிராம்ஸ். ஸோ ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் டயட்ரி ஃபைபர். டைஜஷனுக்காக தான் மெயின், டேஸ்டியாக இருக்கிறதும் மெயின், டைஜஷனுக்கு மெயின். இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மற்ற எல்லா நூடுல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா செஞ்ச கொஞ்ச நேரம் வச்சிங்கன்னா ஒட்டின்னு இருக்கும். நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூடுல்ஸை ஒரு வாங்கலான்னு போகும்போது எனக்கு பைக் இப்போ இல்லைனால போய் வாங்க முடியல, ஆனால் எமர்ஜென்சி ஒரு இடத்துல வாங்கிட்டாங்க பக்கத்தில். அந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாயிலாலே ஒட்டுது, ஏதோ சூயிங்கம் ஓட்டுற மாதிரி ஒட்டுது. ஸோ அந்த சிக்லெட் மாதிரி டேஸ்ட் ஒட்டி ஒட்டி வருதா ஸ்டிக்கி. ஸோ வேற நம்ம நூடுல்ஸ் குட்டா நூடுல்ஸ் பார்த்தா அந்த ஸ்டிக்கினஸ் இருக்காது. நீங்கள் செஞ்சு வச்சு கொஞ்ச நேரம் வச்சா கூட அந்த ஸ்டிக்கினஸ் இருக்காது, அதை ஒட்டாது, நல்லா தனித்தனியாக தான் வரும், எந்த விதத்துலையும் ஸ்டிக்கியாக தெரியாது. ஸோ அந்த விதத்தில் ஹெல்த்தி நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தி குட் டாட் நூடுல்ஸ்னுவோம். மற்ற எல்லாமே அன்ஹெல்த்தி, ஏன்னா ஒட்டுது, அதுலேயே தெரியல அதோட குவாலிட்டி வந்து ஒட்டுதுனாலே அது ஏதோ ரப்பர் வாயில் மெல்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். தேங்க்யூ சார். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். तो साथियों, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारे गुड डॉट कंपनी के और आर्सेम कंपनी के गुड डॉट नूडल्स अच्छी तरह से बता पाऊंगा, इसके बेनिफिट्स के बारे में, प्रोटीन कंटेंट के बारे में, रिच की इंग्रेडिएंट्स के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा। और वहीं अब मैं आपको जो मार्केट साइज है नूडल इंडस्ट्री का इस इंडिया के अंदर वो आपको बताना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंडिया के अंदर 35,000 करोड़ का मार्केट है नूडल्स इंडस्ट्री के। और जहां ये सारा 35,000 करोड़ का मार्केट उस अनहेल्दी नूडल्स के पास जा रहा है साथियों, क्योंकि लोगों को उसका स्वाद मिल चुका है या विकल्प नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उन्हें गुड डॉट नूडल्स दे सकते हैं और ये 35,000 करोड़ का मार्केट अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं साथियों, जो इस पूरे इंडिया के अंदर है सिर्फ 35,000 करोड़। बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर तो ना जाने मिलियंस ट्रिलियंस के अंदर ये नूडल इंडस्ट्री होगी साथियों। और वहीं अगर मैं अब बात करूं कि गुड डॉट नूडल्स इज अ कंप्लीट पैकेज क्यों है बच्चों के लिए, तो ये जाने माने साइंटिस्ट है, इन्होंने जो COVID-19 की जो थर्ड वेव थी उसको आने से पहले ये एस्टिमेट कर दिया था, ये बता दिया था कि जो थर्ड वेव आएगी कोरोना काल की वो बच्चों को, चिल्ड्रंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी, हार्म करेगी, क्योंकि उनके अंदर वो प्रोटीन कंटेंट नहीं है, वो विटामिन कंटेंट नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी बूस्टअप नहीं है कि वो थर्ड वेव से लड़ पाए। तो अब हम उन्हें एक जो डाइट, उनकी जो डाइट है या फिर जो उनका प्रोटीन कंटेंट है वो पूरी कर सकते हैं एक बेहतरीन स्वाद के रूप में गुड डॉट नूडल्स के साथ में। तो गुड डॉट नूडल्स एक कंप्लीट पैकेज है चिल्ड्रंस के लिए, जहां से वो अपने प्रोटीन कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं विद गुड डॉट नूडल्स, क्योंकि हमारे गुड डॉट नूडल्स के आप सभी जानते हैं 13.5 ग्राम प्रोटीन कंटेंट मिलता है। और उसी के साथ में जब बच्चे अपने गुड डॉट नूडल्स खाते हैं तब उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, साथ में उनका नेचुरल जो उनको ग्रोथ चाहिए, जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी प्लेस करता है जब वो गुड डॉट नूडल्स को कंज्यूम करते हैं या फिर गुड डॉट नूडल्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है, कितना पावरफुल है गुड डॉट नूडल्स हर एक बच्चे के लिए, हर एक चिल्ड्रंस के लिए। नरेंद्र सर। यस सर।
ஓகே இப்போ நூடுல்ஸ் மார்க்கெட்டு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸோட மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கம்பேரிசன் சொல்கிறாரு. இப்போ நூடுல்ஸோட மார்க்கெட் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 35,000 crore 2021 இந்த எஸ்டிமேட் போட்டிருக்காங்க. இப்போ அஃப்கோர்ஸ் இது மேலும் மேலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா 5.6% பர் இயர் இதோட குரோத்து இந்த 2018 2023 வரைக்கும் எஸ்டிமேட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த க்ரோத் ஆஃப் நூடுல்ஸ் மார்க்கெட். சரிங்களா, இப்போது நம்ம சாப்பிட்றதே இருக்கோம், அந்த மாதிரி ஹெல்த் வைஸ் பார்த்துக்கினே தான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கோம். இப்போ தேர்ட் வேவ் குழந்தைங்கள பாதிக்கும்னு சொன்னாங்க. ஓகே, அதாவது டாப் சயின்டிஸ்ட் இது வைரலஜிஸ்ட்னுவாங்க, அதை இதை ஸ்டடி பண்ணி சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி தேர்ட் வேவ் வந்து பயங்கரமாக சில்ட்ரன் தான் பாதிக்கும்னு. ஆனால் நம்ம நாட்டில் நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்து நம்ம நூடுல்ஸ்லேயே அதை பார்க்குறோம். அந்த ஹெல்த் கான்ஷியஸாக புரத சத்துலேருந்து எல்லாமே இம்யூனிட்டியும் இருக்குது, எல்லா விதமான இதுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் நமக்கு வரலை வராது, அந்த மாதிரி தான் சிச்சுவேஷன். ஓகே, ஏன் குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ்ன்றாங்க சில்ட்ரனுக்கு பசங்களுக்கு ஏன்னாக்கா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இப்போ பாருங்கன்னா இதோட இதுவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 13.5% ஒரு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையுதுன்னா நம்ம ஹெல்த் வைஸு புரத சத்து அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கு. இப்போ குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்ல புரத சத்தில் பார்க்கும்போது நல்லா அதிகமாக இருக்கு. இது வந்து தினம் உள்ள ஒரு குழந்தைங்களுக்கு உண்டான புரத சத்து எவ்வளோ தேவையோ வளர்ச்சி அடைய வேண்டிய வயசில், அதாவது வளர்கின்ற பருவத்தில் பசங்களுக்கு பார்க்கும்போது 7 வயசுக்கு உண்டாகுன்னா ஒரு 2 packet நூடுல்ஸ் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதே 7 வயசுக்கு மேலேனா ஒரு 4 packet ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்லாம், அதாவது காலையில் சாயங்காலம் அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி தான் சொல்கிறேன். ஒரே வேலையில் இல்லை, 4 packet பசங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ அந்த வளர்கின்ற பருவத்தில் இந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிடும்போது புரத சத்து கண்டென்ட் உள்ளதும் நல்லாயிருக்கு, அதே மாதிரி அனைத்து விதமான இம்யூனிட்டி இதுக்கும் தற்காப்பு தன்மையும் அதில் இருக்கு, ஏன்னா கண்டென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். तो साथियों आपने देखा कि बच्चों के लिए चिल्ड्रंस के लिए इस कंप्लीट पैकेज गुड डॉट नूडल्स किस प्रकार है, जिसमें वो COVID-19 जैसी इतनी महामारी दौर के अंदर अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप कर सकते हैं गुड डॉट नूडल्स. और अब मैं साथियों आपको इस मार्केट को, ये जो 35,000 crore का जो मार्केट है इंडिया के अंदर, इसको कैसे अप्रोच करना है, यहाँ पे अपने गुड डॉट के प्रोडक्ट कैसे बता सकते हैं, तो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ STPD एनालिसिस के थ्रू साथ, जहां S means segmentation, T means targeting, P means positioning and D is differentiation. तो हम इस मार्केट के अंदर, जो ये मिलियन चिल्ड्रंस का मार्केट है, उसके अंदर हम अपना गुड डॉट नूडल्स एज STPD एनालिसिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते. वहीं अगर मैं सेगमेंटेशन के ऊपर बताऊं साथियों, तो सेगमेंटेशन के अंदर एज ग्रुप, लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक आती है, जहां हर एक जने का जो रहन-सहन होता है, जो कल्चर होता है, वो अलग अलग होता है. अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं साथियों, तो जैसे कि नरेंद्र सर ने बोला था कि ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए और जो एल्डर्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है गुड डॉट नूडल्स. तो हर एक जने के लिए जो एज ग्रुप है, हर एक जने को जो प्रोटीन कंटेंट चाहिए, जो फाइबर चाहिए, वो उनको मिलता है. वहीं मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करूं, तो इस वर्ल्ड के अंदर 2 lifestyle रहती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन साथ. तो जो लोग वेजिटेरियन है उनको भी जो स्वाद मिलना चाहिए वो भी उनको मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ हमने एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट लिया है. वहीं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग गुड डॉट नूडल्स को बना सकते हैं. तो जो लाइफस्टाइल है वहां पे भी गुड डॉट नूडल्स एकदम सुटेबल रहता है. और वहीं जो डेमोग्राफिक है, चाहे पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, तो हर एक जने को अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड डॉट नूडल्स अच्छा लगता है. तो इस डेमोग्राफी के अंदर भी हमारा गुड डॉट नूडल्स बताकर ये जो मिलियंस का, जो करोड़ों का मार्केट है, वो अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं. वहीं मैं टारगेटिंग के बारे में बात करूं साथियों, तो हम बच्चों को, बूढ़ों को,
जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन सभी को हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जने यही मार्केट है जो सबसे ज्यादा डिमांड करता है नूडल्स का, क्योंकि बच्चों जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं नूडल्स को ही, जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं या अपने दोस्त के साथ जाते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं, जो यूथ होता है, जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में, जो कॉलेज की कैंटीन रहती है वहां पे भी जाकर नूडल्स को ही प्रिफर करते हैं। तो हम टारगेट कर सकते हैं और वहां पे अपने गुड और नूडल्स को बता सकते हैं साथियों। वहीं जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके पास अब वो पावर नहीं रहती कि वो काफी लॉन्ग टाइम तक किचन के अंदर खड़े रहकर एक डिलीशियस और हेल्थ से भरा हुआ जो फूड होता है वो बना पाए। तो वो हम उन्हें अब गुड डॉट नूडल्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो विद इन 2 मिनट्स के अंदर एक डिलीशियस एंड हेल्दी फूड बना सकते हैं अपने घर पे ही एकदम हाइजीनिक प्रोसेस के थ्रू। और मैं अगर मैं अब पोजिशनिंग की बात करूं तो हमारे गुड डॉट नूडल्स की पोजिशनिंग बहुत ही ज्यादा आसान रहती है, 2 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। ये इजी टू कुक है और गुड टू ईट है, क्योंकि हमारे गुड डॉट नूडल्स के अंदर आपको व्हीट फ्लोर, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन और ओट्स फ्लोर की ताकत आपको मिलती है, पावर आपको मिलती है, जिससे इसका प्रोटीन कंटेंट 13.5 ग्राम प्रोटीन कंटेंट आपको मिलता है, जिससे आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है साथियों। और वहीं अगर मैं एक डिफरेंशिएशन बताऊं साथियों, तो डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं कि इस अनहेल्दी नूडल इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा रिवोल्यूशन लाए हैं गुड डॉट कंपनी अपने गुड डॉट नूडल्स के थ्रू, जहां आपको 50% मोर प्रोटीन मिलता है, 100% मोर डाइटरी फाइबर मिलता है, रिच इंग्रेडिएंट्स और बेटर टेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट नूडल्स ऑफ दिस मार्केट। एंड जो हमारा इंडो मसाला फ्लेवर, जो मसाले का पाउच आता है, उसके अंदर भी आपको ऑल ओवर द राजस्थान जो स्पाइसेस है, जो होल स्पाइसेस है, उसका टेस्ट आपको मिलता है हमारे गुड डॉट नूडल्स के अंदर साथियों। तो देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है कि किस तरीके से हम इस मार्केट के अंदर, मिलियन स्टूडेंट्स के मार्केट के अंदर, इस एसटीपीडीएनएस के थ्रू उनको बता सकते हैं और ये डिफरेंशिएशन उनको बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इस अनहेल्दी मार्केट के अंदर और अपने गुड डॉट नूडल्स के। என்ன விதத்துல என்ன செக்மெண்டேஷன், டார்கெட்டிங், பொசிஷனிங், டிஃபரன்சியேஷன், இதுதான் அது. செக்மெண்டேஷன் என்ன மாதிரி பண்றோம் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா, வெவ்வேறு ஏஜ் குரூப். இப்போ முதலே நான் சொன்னேன், அவர் சின்ன பசங்கன்னு சொல்லும்போது கரெக்ஷன் பண்ணேன், பெரியவங்களுக்கும் அது செட் ஆகணும். ஸோ அந்த ஏஜ் குரூப் பல விதத்துக்கு எப்படி லைஃப் ஸ்டைல், ஒவ்வொரு குழந்தைங்க என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், பெரியவங்க என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், அதே மாதிரி ஏரியா வைஸ் பிரித்து கொடுக்குறேன். அதான் செக்மெண்டேஷன். ஏரியா வைஸ்னா நார்த்தில், சவுத்தில், வெஸ்டில், ஈஸ்டில், இல்லை நடுவில், மத்திய பிரதேச, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஊரில் ஒரு செக்மெண்டேஷன் பிரித்து வச்சுருக்காங்க. ஏஜ் குரூப்பு, லைஃப் ஸ்டைல், பசங்க ஜாலியாக போயிட்டு விளையாட்டு வரவங்க, இல்லை வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்க, இல்லை விமென், ஹவுஸ் ஹோல்ட் விமென், இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதை டார்கெட்டிங் எப்படின்னாக்கா, யார் யாருக்கெல்லாம் இதை சொல்லலாம், யார் யாருக்கெல்லாம் இதை விற்கலாம். சின்ன பசங்க பார்த்தா ஜாலியாக வந்து சாப்பிடுங்க, டேஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்க வாசி. அதே மாதிரி ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கவங்களுக்கு இதை பத்தி சொன்னீங்கன்னா நிச்சயம் இது வாங்குவாங்க, இல்ல எடுபடும். ஓகே, அதே மாதிரி டீனேஜர்ஸ்க்கு, டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு 2 நிமிஷம் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் ஜாலியா இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் விமென், வெளியேந்து வந்துட்டு வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்களா டயர்டா, அவங்களுக்கு சட்டுன்னு 2 நிமிஷத்துல அப்படி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் தான் நம்ம பொருள் நூடுல்ஸ். அதே மாதிரி வயதானவர்கள், ஓல்ட் பீப்புள், கொஞ்சம் சமைக்கிறது கஷ்டப்பட்டு சமய கிச்சன்லயே ரொம்ப நேரம் நிக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் 2 நிமிஷம் இந்த நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகும். அதே மாதிரி யூத், நம்மளாட்ட யூத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ சைட் பீப்புள் லைக் அஸ் யூத், யூனோ, சேம் லைக் தட், தட்ஸ் வாட் ஐ மென்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இது சட் சட்னு பண்ணி நல்லா தெம்பா டேஸ்டியா ருசிகரமா சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ பொசிஷனிங், அந்த பொசிஷனிங் என்னன்னா ஈஸி டு குக், குட் டு ஈட், அதாவது சீக்கிரமா செய்யக்கூடியது, அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கு.
அதே மாதிரி ரெண்டே நிமிஷத்துல சட் சட்னு பண்ணலாம், இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் சொல்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த இதுல 13.5% ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னு சொன்னோம். இதுல என்னென்ன இன்டர்னல் கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த வீட் ஃப்ளோர், சோயா ப்ரோட்டீன், பீ ப்ரோட்டீன், அப்புறம் ஓட்ஸ் ஃப்ளோர், இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது இன்னும் டேஸ்டியா நல்லா இருக்கு, குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். அதே மாதிரி டிஃபரன்சியேஷன், என்ன டிஃபரன்சியேஷன், நம்ம இதை பொறுத்த 50% அதிக குட் டாட் 50% அதிக கண்டென்ட் இருக்கு, 100% அதிக டயட்ரி ஃபைபர். அப்போ இருக்கும்போது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு, அந்த டைஜஷன் நல்லா ஆகும்போது எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். 100% பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் அண்ட் ரிச் இன்க்ரீடியன்ஸ், உள்ளுக்குள்ள கண்டென்ட் வந்து இன்னும் நல்லா நிறைய இருக்கு, ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆத்தென்டிக் இண்டோ மசாலா ஃப்ளேவர். அந்த டேஸ்ட் பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியன் டைப் ராஜஸ்தானி மசாலான்றவர்களையும் அது கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். புரத சத்து பொறுத்தவரை மற்ற வெளி இதுக்கெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும், டயட்ரி ஃபைபர் கம்மியாக தான் இருக்கும், அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வெளி இதெல்லாம் வெளி மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற சொல்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்பைஸ்லாம் பார்த்தா வெளி சில இதெல்லாம் அடிக்டிவாக, அதாவது அதுதான் ஒரு மாதிரி இந்த ஸ்பைஸை வாங்கி வைக்கிறாங்க. ஆனால் நம்மது ஆத்தென்டிக் நல்ல குவாலிட்டியாக உள்ள ஒரு இண்டோ மசாலா ஃப்ளேவர். எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். तो साथियों यार थैंक यू नॉरिस, तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके से कितना हेल्दी है अपना गुड डॉट नूडल्स अपने इस मार्केट के लिए, एंड हम एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाए हैं नूडल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट नूडल्स ने कैप्चर कर रखा है और इस अनहेल्दी मार्केट का जो नूडल्स है वो खाकर इंसान एक ह्यूमन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक बनाता है और उसका पेट दर्द जो स्टोमच पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहां आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। और वहीं अगर कोई व्यक्ति गुड डॉट नूडल्स को प्रीफर कर रहा है तो वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकता है, उसकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्टअप करता है, एंड वो अपने पूरी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करता है जब वो गुड डॉट नूडल्स को कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि कितना बेनिफिशियल है अपना गुड डॉट नूडल्स अपने बॉडी के लिए, इंसानों की बॉडी के लिए साथियों। वहीं अगर मैं एमआरपी जो प्राइस है उसके बिहाफ पे भी कंपेयर करूं साथियों, तो गुड डॉट कंपनी के जो गुड डॉट नूडल्स है वो भी इसमें अच्छे, क्योंकि हमें मात्र 20 rupees डीबी प्राइस के अंदर गुड डॉट नूडल्स मिलते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वहां पे वही उस अनहेल्दी नूडल्स के जो जो मार्केट का नूडल्स है वो 50 to 60 rupees पर प्लेट, और इन रेस्टोरेंट इट्स 150 rupees पर प्लेट कॉस्ट रहती है साथियों, जहां हम अपने घर पे ही एकदम हाइजेनिक प्रोसेस से मात्र एज अ 20 rupees डीपी प्राइस के अंदर एक हाइजेनिक प्रोसेस के अंदर अपना गुड डॉट नूडल्स घर पे ही बना सकते हैं साथियों। तो देख सकते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग भी कितना बड़ा डिफरेंस है गुड डॉट नूडल्स वर्सेस अनहेल्दी मार्केट के नूडल्स के बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सभी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए अपने गुड डॉट नूडल्स के बारे में, सूप के बारे में, वेजी सूप के बारे में, वो सभी मैं आप सभी को दे पाया हूंगा इस मीटिंग के थ्रू और नरेंद्र सर के थ्रू। इस मीटिंग के आपने सभी को गुड डॉट और सूप के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा। वहीं कुछ कमर्शियल यूजेस हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट हम इस मार्केट के अंदर कैसे अपना प्रोडक्ट किधर टारगेट कर सकते हैं, किधर हम अपना गुड डॉट के प्रोडक्ट लोगों को पहुंचा सकते हैं। नरेंद्र सर, इफ यू लाइक टू कंटिन्यू। இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் எப்படி டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றது கம்பாரிசன் கொடுக்குறோம். குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம டயட்ரி ஃபைபர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கவாசி நல்லா வேகமா டைஜஷன் ஆகுது. ஓகே, இதே மத்த நூடுல்ஸ் ஆடும் பாருங்க வயிறெல்லாம் பிடிச்சிக்கின்னு ஒரு மாதிரி இருக்காரு அந்த ஸ்லைட்ல. ஸோ ஸ்லைட்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்ப நூடுல்ஸோட கம்பாரிசன் பார்க்கும்போது குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து 20 rupees மேலே, நம்மளது வந்து 21 rupees ஒரு ஒரு பிளேட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க, 20 rupees.
இதே ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு பிளேட்டுன்னு பார்த்தா 150 ரூபாய். இதே ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ஒரு லோக்கல்ல எல்லாம் போட்டி கடை மாதிரி வச்சுட்டு பண்றாங்க இல்லையா, ஒரு 50 ல இருந்து 60 ரூபாய். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேட் கம்பாரிசனும் கொடுத்துருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இந்த கமர்ஷியல் யூசஸ் என்ன ஏதுன்னு சொல்றதுல நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எனி அதர் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ நரேன் சார். யா யா Yes, sir, it's yeah. Oh, okay, sir. Okay. And I'll go ahead with this. No problem. So, साथियों में आप सभी Yes, sir. No, yeah, you yeah, please thank tell. You, thank you so much, sir. Yeah. तो साथियों में अब आपको commercial uses. Sorry, sir. I said go ahead. Okay, sir. तो साथियों हम अब बात करेंगे commercial uses के ऊपर जहां हम direct Good.Gurus को या फिर Good.Gurus कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उन्हें हम इस मार्केट के अंदर बता सके, डायरेक्ट अप्रोच कर सके इस कमर्शियल यूजेस के थ्रू. तो जो सबसे फर्स्ट कमर्शियल यूज है वो है कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ जाता है और यहाँ पे वो इतना बिजी रहता है अपनी स्टडीज के अंदर कि वो अपने प्रोटीन कंटेंट की तरफ या फिर जो उन्हें जो फाइबर्स चाहिए जो उनकी ग्रोथ के अंदर उन्हें मदद करें वो नहीं ले पाते हैं. तो हम ये जो कोचिंग सेंटर्स है वहां पे अपने Good.Gurus नूडल्स को और Good.Gurus के प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं और यहाँ का भी जो मार्केट है वो अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं. वहीं जो स्कूल एंड कॉलेजेस की जो कैंटीन है साथियों, वहां हम अपने Good.Gurus नूडल्स को और Good.Gurus के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बिकॉज ये वो ऐसी जगह है जहाँ चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम डॉन के रूप में, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के अंदर. वो एकदम डॉन के फीलिंग के अंदर घूमते हैं और वो कैंटीन में जाकर ऐसे अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है. तो हम उन कैंटीन के अंदर वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हटाकर अपने Good.Gurus के प्रोडक्ट्स वहां पे बता सकते हैं, जहां से हर एक बच्चे को एक हेल्दी और टेस्टी प्रोटीन कंटेंट और टेस्ट स्वाद से भरपूर खाना या फिर जो भी वो प्रिफर करते हैं वो ले सकते हैं स्कूल और कॉलेज के अंदर. वहीं जो थर्ड कमर्शियल यूज है वो है स्ट्रीट वेंडर, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के वहां पे स्ट्रीट वेंडर रखते हैं जहां ये अनहेल्दी चीजें बनाकर बेचते हैं पब्लिक को, उसको हटाकर अपने Good.Gurus नूडल्स और Good.Gurus वहां पे बता सकते हैं. वाइल थ्रो जब लोग अपने Good.Gurus के प्रोडक्ट्स को वहां पे देखेंगे देन वो क्रूअल होंगे इसके बारे में जानने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए. और जब वो लोग अपने Good.Gurus के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो रिच की इंग्रेडिएंट्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में, प्रोटीन कंटेंट के बारे में जब देखेंगे देन डेफिनेटली वो उस स्ट्रीट वेंडर को हमारे Good.Gurus नूडल्स ही बनाने के लिए कहेगा. और जब किसी भी इंसान ने, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने एक बार टेस्ट कर लिया Good.Gurus नूडल्स को या फिर Good.Gurus के एक भी प्रोडक्ट को, then definitely वो अपने साथ वो प्रोडक्ट घर लेकर जरूर जाएगा. तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहां का भी मार्केट अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं. वहीं जो अब लोकल स्टोर्स हैं जहां पे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक हर एक जना जाता है, यहाँ पे पेंसिल से लेकर राशन पानी तक हर एक चीज मिलती है साथियों. तो यहाँ पे हम अपने Good.Gurus नूडल्स या फिर Good.Gurus के प्रोडक्ट बता सकते हैं जहां हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी चीज लेता है उसे 10 बार देखता है, उसके एक्सपायरी डेट देखता है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ता है. तो जब जब पब्लिक या फिर जो पीपल्स है वो अपने Good.Gurus नूडल्स और Good.Gurus के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, देन डेफिनेटली वो भी इसी जनरल स्टोर से, इसी लोकल स्टोर से अपने Good.Gurus के प्रोडक्ट्स लेकर जाएंगे अपने घर पे. तो साथियों ये थे कुछ कमर्शियल यूजेस जहां से हम डायरेक्ट इस मार्केट को हिट कर सकते हैं और ये जो मिलियंस ट्रिलियंस का मार्केट है अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं. और Good.Gurus कंपनी एक हेल्दी रिवोल्यूशन लाई है अपने सभी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के थ्रू, जहां हम मीट मटन के रिप्लेसमेंट में वेजिटेरियन बाइट्स और करी किट लेकर आए हैं, चिकन के रिप्लेसमेंट में हम Good.Gurus प्रोटीज एंड प्रोटीज प्लस लेकर आए हैं, नूडल्स अनहेल्दी नूडल्स के रिप्लेसमेंट में अपने Good.Gurus नूडल्स लेकर आए हैं, बस अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स की जो मार्केट है उसको रिप्लेस करते हुए अपना Good.Gurus
गुड सिप लेकर आए हैं साथियों, तो एक हेल्दी रिवॉल्यूशन हम लेकर आए हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, जहां आप देख सकते हैं साथियों कि कितना फायदेमंद है अपना प्रोडक्ट। साथियों गुड डॉट कंपनी एक हेल्दी रिवॉल्यूशन, एक हेल्दी वे बना रही है साथियों, जहां हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं गुड डॉट कंपनी के थ्रू, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप साथियों कि आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं अच्छे से दे पाया हूंगा आप सभी को अपनी इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए गुड डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर वो भी आप सभी को दे पाया हूंगा साथियों। वही जो हमारा नारा है गुड डॉट कंपनी और आश्चर्य कंपनी का, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, तो इसी नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा नरेंद्र सर को। नरेंद्र सर, हैंड ओवर टू सर। எஸ் சார், தேங்க்யூ துஷ்யந்த் ஜி, நல்லா அருமையாக சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதோட கமர்ஷியல் யூசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். யா, இப்போ நம்ம வெவ்வேறு இடத்துல இதை கொடுக்கலாம். என்ன மாதிரி இடம்னா கோச்சிங் சென்டர்ஸ், அங்கெல்லாம் எப்படி கேன்டீன்ஸ் இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போய் ப்ரமோட் பண்ணலாம் இதை. ஸோ இது கம்மி விலை குவாலிட்டி அப்படின்னும்போது நிறைய பேர் எடுப்பாங்க, ஸோ அதை நம்ம போய் பேசணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொமோஷனல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கேன்டீன். ஹலோ, யா, ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜ் கேன்டீன். அந்த இடத்துல எல்லாமே, ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேன்டீன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே அன்ஹெல்த்தியாக கொடுக்குறாங்க நிறைய ஐட்டம். அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து ஹெல்த்தியாக கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ், இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட இதுவும் நூடுல்ஸ்னு போட்டு தராங்க. அதில் ஃபுட் ஸ்டால் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்டை பற்றி பேசி நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம். ஸோ அப்போது மார்க்கெட்டும் பெட்டராக இம்ப்ரூவ் ஆகும் நமக்கு. அதே மாதிரி லோக்கல் ஸ்டோர்ஸ், நிறைய பேர் இந்த சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸ் ஏதாவது வச்சு நிறைய தொங்க விட்டுருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி கடையிலையும் போய் பேசிங்கன்னா குவாலிட்டி பொருள்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஆ, இப்போ பார்க்கும்போது நம்ம ப்ராடக்ட் எந்த விதத்தில் ஹெல்த்தி அப்படின்னு காட்டுறோம், மற்றது அன்ஹெல்த்தி எதை எதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம. அன்ஹெல்த்தி பார்த்தோம் மீட் அண்ட் மட்டன் மற்ற இடத்துல இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு நம்ம வெஜ் பைட்ஸ், குட் டாட் வெஜ் பைட்ஸ் கம்பேரிசன் பண்ணி ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம். சிக்கனுக்கு பார்க்கும்போது சிக்கனுக்கு பதில் குட் டாட் ப்ரோட்டீஸ், அதை நம்ம நிறைய பேருக்கு ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஏன்னா டேஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி இருக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அதை கம்பைன் பண்ணி போடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது நூடுல்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் நிறைய அன்ஹெல்த்தி நூடுல்ஸ் தான், நமது குட் டாட் நூடுல்ஸு நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், புரத சத்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் எல்லாமே அதில், இது வைட்டமின் கண்டென்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அது. அடுத்தது பார்த்தா குட் சிப்பும் அதே மாதிரி தான், கம்பேர்ட் டு ரெகுலர் ஜூஸ் மார்க்கெட்டில் உள்ள ஜென்ரல் கூல் ட்ரிங்க்ஸு இல்லை ஜூஸ் ஏதாவது கொடுப்பாங்க, அது குட் சிப்பு ட்ரிங்கை கலந்து கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும். ஸோ குட் டாட் ஃபேமிலி எப்படி என்ன இருந்துச்சு, அப்போது குட் டாட் ஃபேமிலியோட இதில் ஜாயின் த ரெவல்யூஷன், இந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் அன்ஹெல்த்தியிலேருந்து ஹெல்த்தியாக கொண்டு வரதுக்கு எப்படி அப்படின்றதான் இது ரெவல்யூஷனாக கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் துஷ்யந்த் ஜி. என்ன துஷ்யந்த் ஜி இல்லையா, அல்ல இல்லை துஷ்யந்த் ஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லைட் நம்ம பார்த்துட்டு வாசி அதையே நான் சொல்லிடுறேன். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குட் டாட், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குட் டாட், கர் கர்னா வீடு வீடா குட் டாட், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குட் டாட், அதுதான் அங்கே ஃபார்முலா. நம்ம என்ன சொல்றது, இட்ஸ் அ ரெவல்யூஷனரி ஆந்தோலன், அதாவது ரெவல்யூஷனரி ஃப்ரீடம் கொண்டு வரும் எல்லா ஃபேமிலிக்கும் இன் ஹெல்த். ஓகே, எஸ் சார், எனி அதர் திங்? बहुत ही बेहतरीन सर, आपने जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी आपने पूरी टीम को, वो आपने एकदम एग्जैक्ट आपने इन्फॉर्मेशन दी है सर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच नरेंद्र सर की इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच दुष्यंत जी, योर प्रेजेंटेशन इज गुड, सो आई एम एबल टू कोऑर्डिनेट विद यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और मैं होप करता हूँ की आप सभी को, अपनी पूरी टीम को, जो गुड डॉट नूडल्स एंड सूप एंड वेजी सूप के बारे में जो डाउट्स होंगे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आपके थ्रू दे पाया हूँ सर अपनी पूरी टीम को सर.